वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों और अपनी अपनी बहनों के अपने अपने भाइयों, फ्लाइंग बेस्टीज में आपकी खुशामदीद। और आज हम आई भी है कि 11वें फ्लोर पर खड़े हुए हैं और शहर के हालात ख़राब हो चुके हैं और यहाँ से शहर का व्यू नज़र आ रहा है, तो हम ज़रा नोट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या हालात हैं, लेकिन यहाँ से कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा देख। नहीं 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 यार, लड़कियाँ हैं, लड़कियों के चेहरे हम नहीं दिखाते हैं, ना अपने दिखाते हैं ना लड़कियों के दिखाते हैं। लेकिन अब हम होपफुली हम कोशिश करेंगे कि हमें ओवर या करीब मिल जाए ताकि हम खैरियत से घर पहुंच जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये देख रहे हैं आप, शहर यहाँ से नज़र आ रहा है, पूरा नज़र आ रहा होगा आपको शहर, सन्नाटा सु रोडों पे। अब देखना है कि हम कैसे जाते हैं, तो हम रास्ते में से भी आपको हालात और वाकयात दिखाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब लड़कियाँ हैं सिर्फ, जिनको घर जाना है यहाँ से। वैसे हमारा 5 बजे ऑफ होता है, लेकिन अब हमारा हालात की वजह से हमारा 1 बजे लंच ब्रेक के बाद हमारे ऑफ कर दिया गया है। ये देखिए, ये दूसरा साइड है, वो दूसरा साइड था, आई थिंक ये सामने OMI हॉस्पिटल है। OMI हॉस्पिटल है, ये वाला रोड है इमेजिनर रोड। और ये आप देख रहे हैं कि सड़कों पे कितना सन, इतना तो नहीं है हर, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ पे बहुत रश होता है। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा हो चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नज़र ही नहीं आ रही है, सिर्फ जो लोगों की अपनी ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हालात ख़राब का असर लिफ्ट पे भी हो गया है, लिफ्ट जो है 11वें फ्लोर पर आई के नहीं दे रही है। 5 सेकेंड से पिछले पाँच फ्लोर, ओ आ गई, 6 7 8 9 10 11 धक धक। अच्छा जी, फाइनली हम करीम करवा के घर जा रहे हैं और शहर के हालात अभी तक तो बेहतर हैं। हम कोशिश करें कि उस रूट से ना जाएं। एम्बुलेंसेस तो नज़र आ रही हैं रास्ते में, हम कोशिश करेंगे कि हम लियारी एक्सप्रेसवे से गुलशन की तरफ उतर जाएं। जी कहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी दोस्तों को कॉल आ गई, लेकिन मुझे मेरे घर से कॉल नहीं। नाइंसाफी है, नाइंसाफी। भाई मुझे भी कॉल आ गई, लेकिन मेरी फैमिली उल्टा मुझसे। देखिए दुकानें भी सब खुली है, मुझे लग रहा है लोग शोर ज़्यादा मचाते हैं। दुकानें देख रहे हैं हम, जैसे खुली हुई हैं बहुत सारी। लेकिन लोग मुझे लग रहा है फैलाते ज़्यादा हैं। और न्यूज़ में घर से, अरीबा घर से कॉल्स ना आने की वजह ये भी है कि न्यूज़ में कुछ बताया नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से इसलिए कि लोग और इश्तेहाल में आएंगे। टीवी ऑन ही ना, नहीं मेरे घर से ऑन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा टीवी पे कुछ नहीं बता रहा। तो अब हम आपको पहुँच के बताएंगे कि हम पहुँच गए। अभी हमें नहीं पता हम कौन कौन से रूट से जा रहे हैं। कराची शहर की यही खसूसियत है कि एक ही शहर में एक कोने में कुछ हो रहा होता है तो दूसरे कोने में पता भी नहीं चलता। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, कहीं से भी आपको हालात ख़राब की बू भी नहीं आ रही हो, ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि हालात ख़राब हैं। एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बाइक्स भी हैं, रिक्शे भी हैं। भाई अब फाइनली हमने शहर के रूट्स लेने से बेहतर समझा कि हम लियारी एक्सप्रेस पे पकड़ें और सीधा सीधा जो है एक गुलशन वाला या फिर सोराबकोट वाला एग्जिट लें और अपने घर साथ खैरियत से पहुंच जाएं। तो ये आप देख रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे। Not allowed. ये देखिए हम सोराबगोट के पुल पे हैं और ये आलम है हमारी ट्रैफिक कंट्रोल्स का, कि कोई निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। और ये गाड़ियाँ उल्टी आ रही हैं ब्रिज पर, ये देख रहे हैं आप, ये रॉन्ग वे पे आ रही हैं सारी गाड़ियाँ। जी बुराइयों की बात नहीं है, मतलब जाम अच्छी, हमने अच्छी बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन एक बड़ा अजीब सा सेटअप है। हालात ख़राब होते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता, जिसका जहाँ दिल चाह रहा होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है, पता नहीं। और अभी काफ़ी डेंजरस था ये कि सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, पता नहीं ये सब सेटअप कब सही होगा। क्या कोई इनके गाड़ी को आगे रुके?